हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोएम द चिमनी स्वीपर करने जा रहे हैं, जो उनके पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से ली गई है। उनके दो पोइट्री कलेक्शन थे, पहला था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, दूसरा था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में क्या था कि दुनिया की उन्होंने बुराइयाँ बता रखी थी। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में उन्होंने दुनिया की अच्छाइयाँ बता रखी थी। तो इसके अंदर वो चिमनी स्वीपर्स के बारे में पॉजिटिव फैक्ट्स बता रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए पोएम को शुरू करते हैं। व्हेन माई मदर डाइड आई वॉज यंग, यानी कि जब मेरी माँ मरी तो मैं छोटा सा था। एंड माई फादर सोल्ड मी, और मेरे पिता ने मुझे बेच दिया। वाहिल यट माई टंग कुड स्केसली क्राई वीप, ताकि मेरी यह जो जीभ है वो बहुत ही दुख भरी आवाज़ में चिल्ला सके। वीप 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 का मतलब यहाँ पर है स्वीप स्वीप, जो कि चिमनियों की सफाई करने के लिए यूज किया जाता है। सो योर चिमनीज आई स्वीप, और इसीलिए मैं तुम्हारी जो चिमनियाँ हैं उन्हें साफ करता हूँ। एंड इन सूट आई स्लीप, और इस चिमनियों से निकला हुआ जो धुआं है उससे सना हुआ मैं सोता हूँ। देयर इज लिटल टॉम डेरेस, यहाँ पर एक टॉम डेरेस नाम का एक लड़का है जो बहुत ही छोटा है। वो क्राइड व्हेन हिज हेड दैट क्रूल्ड लाइक ए लैम्स बैक वाज सेव्ड, जब उसका सिर जो कि एक मेमने की तरह दिखता था, यानी कि जिसके सिर पर घुंघराले बाल थे और उसे सेव कर दिया गया, उसे काट दिया गया, उन बालों को बिल्कुल साफ कर दिया गया, तो वो चिल्लाया। सो आई सेड हुस टॉम नेवर माइंड, तो मैंने उसे कहा कि तुम इस बात को माइंड मत करो। फॉर व्हेन योर हेड इज़ बेयर, यदि तुम्हारा जो सर है वो खाली होगा, यानी कि तुम्हारे सर पर यदि बाल नहीं होंगे, यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉयल योर वाइट हेयर, तो तुम्हारी जो इस सिर की खूबसूरती है या फिर तुम्हारे जो सफ़ेद बाल हैं, इन्हें इन चिमनियों से निकलने वाली जो धूल है वो ख़राब नहीं कर सकेगी। एंड सो ही वॉज क्वाइट, और इसीलिए वह शांत था। एंड दैट वेरी नाइट, और उसी रात को, एज टॉम वॉज स्लीपिंग, जब टॉम सो रहा था, ही हैड सच ए साइट, तो उसने एक सपना देखा, दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर, की हजारों संख्याओं में जो चिमनी स्वीपर थे, डिक जॉय नेड एंड जैक, उनका नाम था डिक जॉय और जैक, वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप, उन सभी को बंद कर दिया गया था, इन कॉफियंस ऑफ ब्लैक, काले कॉफियंस के अंदर। यानी कि पोइट यहाँ पर चिमनीज के बारे में सिम्बोलाइज कर रहा है कि उन्हें चिमनीज के अंदर बंद कर दिया गया था। एंड बाय कम एन एंजल, और तभी एक एंजल आया, वो हैड ए ब्राइट की, जिसके हाथ में एक भूरे रंग की चाबी थी। एंड ही ओपन्ड द कॉफियंस, तभी उसने सारे कॉफियंस को खोल दिया। एंड सेट देम ऑल फ्री, और सभी बच्चों को उसने आज़ाद कर दिया। देन डाउन ए ग्रीन प्लेन, लैपिंग लाफिंग दे रन, और वे खेतों में कूदते हुए हंसते हुए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। एंड वॉश इन ए रिवर, और वे एक नदी में नहा रहे थे, यानी कि उन्होंने एक नदी में स्नान किया। एंड साइन इन द सन, और वो सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे, यानी कि उनके चेहरे पर जो ब्लैकनेस थी वो ख़त्म हो चुकी थी। देन नेक्ड एंड वाइट, और तब वो बिना कपड़ों के और चमकते हुए शरीर के साथ, ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, उन्होंने अपने सारे जो बैग थे उन्हें पीछे छोड़ दिया। दे राइज अपॉन क्लाउड्स, और वे बादलों के पार चले गए। एंड स्पोर्ट्स इन द वाइंड, और हवा में झूमने लगे। एंड द एंजल टोल्ड टॉम, और तभी जो फरिश्ता था उसने टॉम को बताया, इफ़ ही वुड बी ए गुड बॉय, यदि वह एक अच्छा लड़का बनेगा, ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर, तो भगवान उसके पिता बन जाएंगे, यानी कि भगवान उसकी केयर करेंगे। एंड नेवर वॉन्ट जॉय, और भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि वो खुश ना रहे, और इसका मतलब ये है कि भगवान उसे हमेशा खुशी देंगे। एंड सो टॉम अवोक, और उसके बाद जो टॉम है उसकी नींद खुल गई। एंड वी रोज इन डार्क, और फिर से वो अपनी काली दुनिया में चल पड़ा। एंड गोट विद आवर बैग्स, और उसने बैग उठा लिए, वो उन सभी बच्चों की बात कर रहा है जो उस टाइम पर चिमनी स्वीप करने के लिए जाते थे, यानी कि वो सभी बच्चे एक अंधेरी जगह पर जाने लगे, और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, यानी कि सुबह नहीं हुई थी उस टाइम तक, और उन्होंने सभी ने अपना बैग उठा लिया।
एंड आवर ब्रशेज टू वर्क, और वो ब्रश जिससे हम काम करते थे हमने वो भी उठा लिए। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, जो सुबह थी वो बहुत ठंडी थी। टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, लेकिन फिर भी जो टॉम है वो बहुत खुश था और खुशी से या फिर जॉय से वो गर्म था। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी, इसीलिए क्योंकि वो सारे जो बच्चे हैं वो अपनी ड्यूटी करते हैं, दे नीड नॉट फियर हार्म, तो उन्हें किसी प्रकार का नुकसान होने का कोई डर नहीं रहता। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।